नमस्कार, दलता बिहार में आपका स्वागत है। जाप कार्यकर्ताओं ने मुंडन करवाकर पप्पू यादव की गिरफ्तारी का विरोध किया और पप्पू यादव को अविलंब रिहा करने की मांग की। दरभंगा जिला के पूर्व जिला अध्यक्ष मुन्ना खान के आवास पर आज जाप कार्यकर्ताओं ने मुंडन कराकर पप्पू यादव की गिरफ्तारी का विरोध कर सरकार की गलत नीतियों का बहिष्कार किया और साथ ही साथ जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव को रिहा कराने की मांग भी किया। इसमें चौंका देने वाली बात यह है कि मुंडन करवाना पुरुषों में एक आम प्रचलन है, लेकिन आज इस कार्यक्रम में एक महिला कार्यकर्ता जो महिला नगर अध्यक्ष आसमा खातून, उन्होंने भी मुंडन करवाया। आमतौर पर महिलाओं को सबसे अधिक अपने बालों से प्रेम होता है। आज जाप कार्यकर्ताओं अपने बालों का बलिदान देकर पप्पू यादव की रिहाई की मांग किया। बाल का मुंडन करवाते हुए आसमा खातून ने कहा कि यह सरकार निर्लज्ज हो चुका है और गलत साजिश के साथ पप्पू यादव को गिरफ्तार किया, उनके सेवाओं कार्य रोकने का प्रयास किया है, लेकिन आज पप्पू यादव का सेवा कार्य जारी रहेगा। यदि सरकार उन्हें रिहा नहीं करती है तो आंदोलन चरणबद्ध तरीके से बड़े स्तर पर होगा। पप्पू यादव को रिहा करने के ही हम लोग चैन की सांस लेंगे। आइए सुनते हैं विस्तार से सारी बातों को। इंकलाब जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, चोर प्रताप रूड़ी को गिरफ्तार करो, चोर प्रताप रूड़ी को गिरफ्तार करो, चोर प्रताप रूड़ी को गिरफ्तार करो, पप्पू यादव को रिहा करो। ये बताइए कि हिंदू धर्म में जब पति मर जाता है उसके बाद औरतें बाल मुड़वाती हैं, आप मुसलमान हैं, उसके बाद भी आपने बाल क्यों मुड़वाया, क्या कारण है? इसलिए कि मेरा नेता मर चुका है, मेरा प्रधानमंत्री मर चुका है, मेरा नीतीश मर चुका है, इसी कारण हम लोग बाल मुड़वा रहे हैं। मेरे पप्पू यादव को गिरफ्तार किया, उनके लिए अगर जान देना पड़े तो हम जान भी देंगे, वो तो बाल मुंडवाया है। क्या लगता है कि आप लोग बेवा महसूस कर रहे हैं अपने आप को? हम अपने आप को कि मेरा नेता ही मर गया, प्रधानमंत्री मर गया तो बेवा ही ना, सेवा मर गया, गरीबों का सेवा करने वाला मर गया तो हम लोग बेवा ही हो गए। तो क्या आगे आंदोलन को और कैसे आप महिलाएं ले जाएंगी? ले जाएंगे जहाँ तक होगा, अभी तो बाल मुड़वाए हैं, आगे जहाँ तक होगा ले जाएंगे। मतलब आप लोग इसमें जब तक रिहाई नहीं होगी तब तक आप साथ नहीं बैठेंगे? तब तक हम लोग जो होगा हम लोग से करते ही रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? आसमा खातून। क्या है आप जाप की? जिला महिला अध्यक्ष। अब बीच में नहीं आना जाना कीजिएगा। उनके खिलाफ जन अधिकार पार्टी दरभंगा इकाई आज उनके कार्यकर्ता पप्पू यादव के समर्थन में और रूढ़ी को गिरफ्तार नहीं करने के विरोध में हम लोग आज अपना बाल मुंडन करवाए। रूढ़ी को गिरफ्तार करना जरूरी है और पप्पू यादव को रिहा करना जरूरी है। कोई एक गीत गा दीजिए मुंडन को गिरफ्तार सरकार। हाय 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 पप्पू भैया जिंदाबाद, 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 पप्पू भैया को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, पप्पू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर हम लोग तो अपने नेता के लिए, अपने सेवक के लिए जान देने को तैयार है। बाल कौन चीज है? सबसे बड़ी बात है कि बड़ी विडंबना है, हम लोगों को नीतीश सरकार पर भरोसा था, लेकिन अब ये समझ में आ गया कि नीतीश सरकार भ्रष्ट है। चूंकि जो चोर है वो बाहर है और जो साध है वो अंदर है, उनको पकड़कर जेल में रख दिया गया है, डीएमसीएच में एडमिट है, और जो चोर है वो बाहर मस्ती से घूम रहा है, ऐसी गाड़ियों में घूम रहा है, और कोरोना के नाम पर जो उसने एम्बुलेंस चुरा कर रखा राजीव प्रताप रूड़ी, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। ये शर्म की बात है। हम लोग ये मांग करना चाह रहे हैं सरकार से, जरा भी अगर के लाज है, लज्जा है, शर्म है पब्लिक के प्रति, अगर उनको दिखाना है कि हम वाकई भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ने वाले हैं, तो अविलंब राजीव प्रताप रूडी को गिरफ्तार करें और पप्पू यादव को अविलंब रिहा करें। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर अब्दुल सलाम खान, पूर्व जिला अध्यक्ष
जनता पार्टी तरफ बाल को त्याग दिया, मुंडन करवाया, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? यहाँ के जो भ्रष्टाचारी सरकार है उसके खिलाफ हम लोग का ये पूर्व प्रदर्शन है। जो गरीबों के मसीह पप्पू यादव जी को जिंदा कसूर का गिरफ्तार किया हुआ है, बिहार सरकार का ही काम पप्पू यादव जी कर रहे थे इस कोरोना काल में, अस्पताल जा जाकर उसी क्रम में उन्होंने जब एम्बुलेंस छिपा कर रखा था खोला, उससे घबरा कर बिहार सरकार उनकी पुरानी 32 साल पुरानी केस में उनको जेल भेज दिया। इस तरह सर गलत है, हम लोग उनकी